नमस्कार मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से करगिल युद्ध में शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के संपूर्ण जीवन को संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रम बत्रा से आपको भी प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद। पाकिस्तानी सोल्जर ऑन द रेडियो नेट दैट डोंट ट्राई टू कम अप अदरवाइज विल हैव अ टफ टाइम एंड इट वाज रिप्लाइड फ्रॉम माय साइड दैट विल बी प्रूव्ड इन अनदर एन आवर ऑफ शो दैट इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम। इंडियन आर्मी के पोस्टर बॉय और दुश्मनों में शेरशाह के नाम से मशहूर कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल के एक छोटे से शहर पालमपुर, जी हां हिमाचल के एक छोटे से शहर पालमपुर में 9 सितंबर 1974 ईस्वी को हुआ था। विक्रम बत्रा के माता पिता की बात करें तो इनके पिता जीएल बत्रा एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे और इनकी माता कमलकांता बत्रा एक अध्यापिका थी। विक्रम के एक जुड़वा भाई भी थे जिनका नाम था विशाल बत्रा, जो आज भी एक निजी बैंक में कार्यरत हैं। दोस्तों, सार्वजनिक मंच से किसी के व्यक्तिगत जीवन की बात शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन विक्रम के जीवन के इस पहलू के बारे में परिचित कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब विक्रम 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में एमए करने के लिए दाखिला लेते हैं, उनकी एक महिला मित्र मिलती है जिसके लिए उनके पिता बताते हैं कि विक्रम जब जंग पे गए थे वे निर्णय कर चुके थे कि वो उसी महिला मित्र से वापस आने पे विवाह भी करेंगे। दोस्तों, उनकी उस महिला मित्र ने विक्रम के शहीद होने के बाद कभी विवाह नहीं किया। ऐसे उदाहरण आज देखने को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, करगिल युद्ध की बात करें, करगिल का युद्ध भारत पे थोपा गया था। हमारे प्रधानमंत्री बस यात्रा करते हैं शांति के लिए, जवाब में पाकिस्तान करगिल में घुसपैठ करके हमें शांति का जवाब धोखा देके देता है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय ऑपरेशन विजय लॉन्च करते हैं, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाते हैं और इंडियन आर्मी का मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट कारगिल सेक्टर में कर दिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा को 0.5140 पे हमला करने का टास्क दिया जाता है। भारत की तरफ से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम पूरी ताकत से करगिल की 0.5140 पीक पे हमला करती है। वो फोर्स की आवाज़ों से पूरा करगिल गूंज उठता है और बिना किसी भारतीय सैनिक की जान गवाए कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में भारतीय सेना एक बड़ी जीत दर्ज करती है करगिल सेक्टर में। दोस्तों, करगिल के समय की एक ओरिजिनल वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि बोफोर्स लगातार कैसे फायर कर रही हैं पाकिस्तान के बंकर्स के ऊपर। इस लड़ाई के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को कैप्टन बना दिया जाता है क्योंकि उन्होंने करगिल जैसी लड़ाई में बिना कैजुअल्टी के ऑपरेशन को पूरा किया जिसमें सारी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस पाकिस्तान के पास थी। विक्रम का एक इंटरव्यू इसके बाद लिया गया जो आप देख सकते हैं। Yes, we would have stopped at any point of time. We knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, OAIA, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, so my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. विक्रम बत्रा ने इसके बाद 0.4875 के लिए वॉलंटियर कर दिया, जो टाइगर हिल की तरह ही एक असंभव लक्ष्य था। विक्रम ने बिल्कुल असाधारण साहस दिखाया और अपने दोस्त नवीन को बचाने के लिए दुश्मनों के बंकर में जा घुसे। विक्रम ने पाकिस्तानियों के बंकरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते विक्रम बत्रा ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच साथी की जान बचाने के बाद एक गोली विक्रम बत्रा को लग गई और भारत ने एक महान बेटा खो दिया। This capture 0.4875, the Captain Vikram Batra of my battalion who laid his life here for the capture of this feature. We
दिल मांगे में। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। कैप्टन विक्रम बत्रा को अदम्य साहस और बहादुरी के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और परमवीर चक्र दे के कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र की शोभा को बढ़ाया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।